हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हार्ट ऑफ द फ्रॉग। दोस्तों, फ्रॉग के हार्ट के ऊपर आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके नीट और एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें फालतू का डिस्कशन कुछ भी नहीं होगा, जो खाली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हार्ट क्या है? सबसे पहली बात तो हार्ट एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है। मस्क्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब वो पूरा का पूरा मसल से बना हो। मस्क्यूलर कार्डियक मसल्स जैसे कि ह्यूमन में होता है, वैसी फ्रॉग में भी ये हार्ट कैसा होगा? मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? और बात कर लें हार्ट के चैम्बर की, बात कर लें तो हार्ट कैसा होगा? फ्रॉग के हार्ट में आपको 3 चैम्बर दिखाई देंगे, जिसमें से 2 एट्रियम होगा और एक क्या होगा? एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है? तो अगर और ये किससे कवर किया जाएगा दोस्तों? कवर किया जाएगा एक मेम्ब्रेन से। जो फ्रॉग का हार्ट होता है एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। देखो, ये फ्रॉग का हार्ट है, ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। और ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो आपको 2 पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है? तो देखो, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट स्ट्रक्चर हुआ फ्रॉग का, जो कि एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, बताता हूँ मैं अभी आपको। पहले कुछ एक पॉइंट देख लेते हैं। देखो, हार्ट के पास एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा जो ज्वाइन होगा किससे? राइट एट्रियम से। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइनस विनोसस बोलेंगे, ठीक है? और वेंट्रिकल ओपन होगा किसके अंदर? एक सेक जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कोनस आर्टेरियोजस बोलते हैं दोस्तों। अब इसको देख लेते हैं क्या होता है ये। देखो, जैसे कि आप लोग ने देखा अभी, ये देखो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि राइट एट्रियम से एक स्ट्रक्चर कनेक्ट होगा, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा। देखो, ये ट्रायंगल जैसा है या नहीं? ये देखो, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा, जो किससे कनेक्ट होगा दोस्तों? आपके फ्रॉग के राइट एट्रियम से कनेक्ट होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? साइनस विनोसस कहेंगे। इसका काम क्या है दोस्तों? ये क्या करेगा? पूरे के पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव करके कहाँ भेजेगा? ये राइट एट्रियम में भेजेगा। और राइट एट्रियम कहाँ भेजेगा दोस्तों? वेंट्रिकल में भेजेगा, ठीक है? और वेंट्रिकल कहाँ भेजने वाला था ब्लड को? जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक कोनस स्ट्रक्चर में भेजने वाला था, जिसको हम लोग कोनस आर्टेरियोजस बोलते हैं। उसको भी देख लेते हैं कैसा होता वो। तो ये देखो दोस्तों, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये कोन जैसा स्ट्रक्चर, ये देखो, ये जो कोन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है दे रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कोनस आर्टेरियोजस बोलते हैं। जो ब्लड आया राइट, ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था, देखो पीछे साइड, देखो ये 2 ओपनिंग दिखाई दे रही है। ये किसकी ओपनिंग है? ये ओपनिंग है अभी जो अपन ने देखा, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, साइनस विनोसस की ओपनिंग है दोस्तों। यहाँ से क्या होगा? बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड रिसीव करके कहाँ भेजा जाएगा? ये भेजा जाएगा वेंट्रिकल में। और फिर तो दोस्तों, ये जो राइट एट्रियम से आ रहा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों कहाँ पहुँच रहे हैं? वेंट्रिकल में पहुँच रहे हैं। और ये जो वेंट्रिकल है, मतलब यहाँ से क्या आया? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और लेफ्ट वाले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दोनों आपस में मिक्स हो गए। अब ये क्या करेगा? वेंट्रिकल इसको पंप करेगा। कहाँ पर पंप करेगा? कोनस स्ट्रक्चर में। देखो, कहाँ पर पंप किया ये ब्लड? देखो, राइट वाले से आया, ये लेफ्ट वाले से आया, ये मिक्स ब्लड बना और वेंट्रिकल पंप करेगा किसके अंदर? एक कोनस स्ट्रक्चर में। ये देखो, यही है वो कोनस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कोनस आर्टेरियोजस बोल रहे हैं। यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ पे पहुँचने के बाद पूरे बॉडी में फ्लो करेगा। मतलब आपके यहाँ से कितने MCQ बनते हैं कि फ्रॉग के हार्ट से विच टाइप ऑफ ब्लड फ्लो होते हैं? तो यहाँ से आपको बोलना है कि मिक्स ब्लड फ्लो हो रहे हैं। और जब वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, तो कहाँ जाते हैं? एक कोनस स्ट्रक्चर में जाते हैं। और उस कोनस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? कोन जैसे स्ट्रक्चर में जाते हैं, उस कोन स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कोनस आर्टेरियोजस, ठीक है? तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉग के हार्ट के ऊपर, जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉग के हार्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए दोस्तों। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि दोस्तों, और बाकी तो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे अच्छे खासे क्लास चलते हैं,
काफ़ी सर लोग पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, खाली कुछ भी फालतू का डिस्कशन नहीं होगा इसमें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पर डे 10 एमसीक्यू मैं अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ से वो भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेनिफिट होगा। रोज़ 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू अगर आप सॉल्व करते हो तो दोस्तों आप तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और आने वाले टाइम में इस एमसीक्यू का नंबर जो है और बढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।